हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स एक्सरसाइज 6.2। चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक प्रीवियस सेशन में ओवर किया था, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन फिगर 6.19, जो फिगर आपको साइड में बना के दी गई है उस फिगर की बात हो रही है। तो इस फिगर में DE जो लाइन है वो AC के पैरेलल है और जो DF वाली लाइन है वो AE के पैरेलल है। हमें प्रूव करना है कि BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC। चलिए करते हैं शुरू प्रूफ। इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में जो डीई वाली लाइन है वो एसी के पैरेलल है, ये हमें गिवन है। तो हम लोग क्या लगाएंगे यहां पर, बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंगली अगर लाइन इस तरीके से पैरेलल हो तो वो इक्वल प्रपोर्शन में डिवाइड करती है। तो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू सीई अपॉन बीई। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई। उसके बाद हमारे पास ट्राइंगल ए बी ई, इन ट्राइंगल ए बी ई, इस ट्राइंगल में जो डी एफ है वो ए ई के पैरेलल है। दिस इज ऑल्सो गिवन, डी एफ ए ई के पैरेलल है। तो फिर अगेन हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज करेंगे और ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू सी एफ, नोट नोट सी एफ, ये लाइन पैरेलल है तो ई एफ अपॉन बी एफ। दिस इज सेकेंड इक्वेशन, तो ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन बन गई। फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से यू कैन क्लियरली सी कि ए डी अपॉन डी बी दोनों साइड सेम है, तो इनके जो राइट पोर्शंस हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे। अब जो रिजल्ट हम लोगों को चाहिए उस रिजल्ट के अकॉर्डिंगली बी एफ और बी ई को यहां पर ऊपर जाना है, तो हम लोग क्या कर देंगे, दोनों साइड रेसिप्रोकल कर देंगे। तो बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई, और आप देख सकते हो कि जो रिजल्ट है वो हमारा बिल्कुल मैच हो गया है। और इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 डन कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने अब आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कॉपी हो चुका है हमारे सामने, क्लियर कर देते हैं प्रीवियस पार्ट को। और क्वेश्चन नंबर 5 ये हमारे सामने आ गया है। फिगर में DE जो है वो OQ के पैरेलल है, DF QOR के पैरेलल है, तो हमें शो करना है। तो मैं फिगर यहाँ पे आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं। पी, नोट पी डी, ओके यस, पी ई एफ क्यू आर
बाद ये हम लोग ट्राइंगल, दिस इज ओ, ये पी से लेकर ओ तक की लाइन ज्वाइन हो गई, देन यहाँ पे ये लाइन आ गई, दिस इज पॉइंट डी। ओके, तो जो डीई है यानी कि ये वाली लाइन, वो ओ के ऊके पैरेलल है, और जो डीएफ वाली लाइन है वो ओ आर के पैरेलल है, ये हमें गिवन है। हमें ई एफ वाली लाइन क्यू आर के पैरेलल प्रूव करनी है। चलिए शुरू करते हैं प्रूफ। सबसे पहले ट्रायंगल पी क्यू आर में, ओके, पी क्यू आर से पहले हमें यहाँ पे ट्रायंगल हम लोग उठाएंगे पी ओ क्यू या पी क्यू ओ, पी क्यू ओ। जो डीई वाली लाइन है वो ओ क्यू के पैरेलल है, इस ट्रायंगल में ये लाइन गिवन है। तो फिर हम लोग लगा देंगे थेल्स थ्योरम या फिर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PD अपॉन DO। तो PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PD अपॉन DO, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब हम लोग यूज करेंगे ट्रायंगल POR। इस ट्रायंगल में जो डी एफ वाली लाइन है वो ओ आर के पैरेलल है, दिस इज गिवन, ये गिवन है। तो फिर हम लोग लगाएंगे बीपीटी। तो बीपीटी का यूज करके क्या हमारे पास रिजल्ट आएगा, पी डी अपॉन डी ओ इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। तो पी डी अपॉन डी ओ पी एफ अपॉन एफ आर, फ्रॉम वन एंड टू, वन और टू से पी डी अपॉन डी ओ के प्रोपोर्शनल है दोनों, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। तो ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया। अब ट्राइंगल पी क्यू आर में पीई अपॉन ई क्यू का जो रेशियो है वो पी एफ अपॉन एफ आर के प्रोपोर्शनल है, ये हमने अभी अभी प्रूव्ड किया है। तो फिर अगर रेशियो प्रोपोर्शनल होता है हम लोग लगा सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, जो ई एफ है वो क्यू आर के पैरलल, तो ई एफ क्यू आर के पैरलल, और यही हम लोगों ने प्रूव करना था। तो यानी कि इस क्वेश्चन में बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी दोनों का यूज हो रहा है। ओके, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ। डन, क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ हम लोगों का कॉपी हो चुका है, प्रीवियस क्वेश्चन का सॉल्यूशन खत्म, और ये पेस्ट हो गया क्वेश्चन नंबर सिक्स। और इसमें भी हमें फिगर ड्रॉ करनी है पहले, तो हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे। तो एक ट्रायंगल हमने बनानी है पी क्यू आर, इसमें भी ट्रायंगल पी क्यू आर है, और फिर हम लोगों को यहाँ पर एक लाइन पी से और ये लाइन इस तरीके से ज्वाइन करेगी इनको, एंड दिस पॉइंट इज पॉइंट ओ, साथ में एक लाइन, दो लाइन, और ये एक तीसरी लाइन भी हमने ड्रॉ करनी है। तो ए बी सी इसका नाम है, ए बी एंड सी। चलिए, तो ये पॉइंट दिए हुए हैं, ए बी जो है
वो पी क्यू के पैरेलल है, जो ए सी वाली लाइन है वो पी आर के पैरेलल है। वी हैव टू प्रूव कि जो ये बी सी लाइन है, इसको मैं यहाँ पर ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ, ये वाली लाइन क्यू आर के पैरेलल है, ये हमें प्रूव करना है। तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था वैसे ही यहाँ पर हम लोगों को पहले बीपीटी का यूज करना है, फिर कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। तो जो ए बी है वो पी क्यू के पैरेलल है, तो हम लोग ट्राइंगल यूज करेंगे ओ पी क्यू। ओ पी क्यू ट्राइंगल में जो ए बी लाइन है वो पी क्यू के पैरेलल है, ये गिवन है। तो फिर क्या यूज होगा? बीपीटी। तो बीपीटी के अकॉर्डिंगली ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद अब ट्रायंगल उठाएंगे हम लोग ओ पी आर। ट्रायंगल ओ पी आर में जो ए सी वाली लाइन है वो पी आर के पैरेलल है, ये हमें गिवन है। तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे? बीपीटी। और बीपीटी के अकॉर्डिंगली ओ ए अपॉन ओ ए पी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से ओ ए अपॉन ए पी दोनों साइड सेम है, तो ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर हमारे पास बन जाएगा, फ्रॉम 1 एंड 2, ये हमारे पास बन गई इक्वेशन। अब ट्राइंगल ओ क्यू आर हम लोग चूज करेंगे। इस ट्राइंगल में ओ बी अपॉन बी क्यू ओ सी अपॉन सी आर के इक्वल है, ओ बी अपॉन बी क्यू ओ सी अपॉन सी आर, ये हमने रिजल्ट प्रूव कर दिया है। तो फिर कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज करके हम लोग कहेंगे कि जो बी सी है वो क्यू आर के पैरेलल है, और इस तरीके से हमारा ये वाला रिजल्ट प्रूव हो गया। तो बीपीटी और फिर कन्वर्स ऑफ बीपीटी हमने यूज करनी है। ओके, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7th के ऊपर। 7th क्वेश्चन हमारा कॉपी हो गया और यहाँ पे हम लोग अब इसको पेस्ट करेंगे, ये पेस्ट हो गया है क्वेश्चन नंबर 7। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 7th क्वेश्चन है, यूजिंग 6.1 थ्योरम यानी कि बीपीटी, प्रूव करें अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल हमें गिवन है, और लेट मी से दिस द ट्रायंगल, और इसे ट्रायंगल का नाम मैंने ए बी सी रख दिया, और ए बी का एक मिड पॉइंट गिवन है, लेट मी से टी डी इज द मिड पॉइंट पैरेलल टू अनदर साइड। तो ये वाली जो लाइन है इसके थ्रू जो लाइन जा रही है वो बी सी के पैरेलल है, बाइसेक्ट दी थर्ड साइड, और ये तीसरी साइड को बाइसेक्ट करती है, यानी कि ई जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है, ये प्रूव करना है। तो मैं यहां पर लिखता हूं ट्राइंगल गिवन में, ट्राइंगल ए बी सी, इसमें डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डी ए बी का मिड पॉइंट है, और जो डी ई लाइन है वो बी सी के पैरेलल है। प्रूव करना है मुझे जो ई है वो ए सी का मिड पॉइंट है, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ट्राइंगल ए बी सी में जो डी ई लाइन है वो बी सी के पैरेलल है, गिवन। तो थ्योरम 6.1 यूज करनी है, तो मतलब बीपीटी, तो बीपीटी लगाएंगे, कहेंगे हम लोग कि ए डी अपॉन डी बी
AE अपॉन EC के प्रोपोर्शनल होगा। वन डी जो है वो AB का मिड पॉइंट है गिवन, तो जो AD है वो DB के इक्वल हो जाएगा। वन में पुट कर दे, डीबी की जगह एडी लिख सकते हैं या फिर एडी की जगह डीबी लिख दो, एक वैल्यू आपने इंटरचेंज कर देनी है। एडी के साथ एडी कैंसिल हो जाएगा तो इधर आपका वन बचेगा। तो एडी के साथ एडी कटिंग, वन वन इज इक्वल टू ए अपॉन ईसी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो ए है वो ईसी के इक्वल आ गई। तो ए इजी का मतलब क्या हो गया कि जो ई है वो यहां पर मिड पॉइंट है एसी का। और इसी तरीके से हमने ये रिजल्ट निकालना था। बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर के हिस्से होते हैं, तो ए जो है वो इसी के इक्वल प्रूव हो गई और ये रिजल्ट हमारा डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 इजीली डन हमने कर लिया। ओके, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की बात। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग पहले कॉपी कर लें। कॉपी हो गया है, क्लियर करेंगे और यहां पर हम लोग पेस्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो हम लोगों का आ चुका है। यूजिंग थ्योरम 6.2 यानी कि कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करना है, सॉरी कन्वर्स ऑफ बीपीटी का यूज करना है और प्रूव करना है लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब हमें दो ट्रायंगल, सॉरी एक ट्रायंगल गिवन है और ट्रायंगल एबीसी मान लो मिड पॉइंट्स यानी कि डी एबी का मिड पॉइंट है और ई जो है वो एसी का मिड पॉइंट है, वो पैरेलल है थर्ड साइड के। यानी कि टू प्रूव क्या करना है, डीई जो है वो बीसी के पैरेलल है और गिवन है डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ एबी एंड एसी रिस्पेक्टिवली। चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डी ए बी का मिड पॉइंट है तो जो ए डी है वो डी बी के इक्वल हो गई। अगर डी ए बी का मिड पॉइंट है तो ए डी और डी बी इक्वल होंगी, तो हम लोग क्या करेंगे, एडी अपॉन डी बी लिख देंगे इज इक्वल टू वन, क्योंकि जब डी बी डिवाइड में जाएगा तो यहां पर वन बचेगा। इसी के साथ जो ई होता है वो एसी का मिड पॉइंट है, तो ए जो है वो ईसी के इक्वल लिख देंगे। इसी लॉजिक से जो ईसी है वो भी डिवाइड में चला जाएगा। नाउ फ्रॉम वन एंड टू, तो दोनों इक्वल टू वन है, तो व्हाट वी कैन से कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ईसी। कह सकते हैं हम लोग ए डी अपॉन डी बी ए अपॉन ईसी के इक्वल आ गया। अब आपको पता है क्या हो जाएगा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी यानी थ्योरम 6.2। तो कन्वर्स क्या कहता है कि अगर प्रोपोर्शनल हो जाए तो फिर लाइंस विल बी पैरेलल, तो डीई लाइन बीसी के पैरेलल हमारा प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 भी हम लोगों ने डन कर लिया। ओके, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 9। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर यहां पर 9 करने वाले हैं, तो उसकी स्टेटमेंट कॉपी करेंगे हम लोग। ओके, ये वाला हम लोग रेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे
सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। ABCD इज अ ट्रेपीजियम इन विच AB इज पैरेलल टू DC। तो ABCD एक ट्रेपीजियम है, ये हम लोग ट्रेपीजियम यहाँ पे बना रहे हैं। एक पेयर पैरेलल होता है और एक पेयर नॉन पैरेलल होता है। ABCD के पैरेलल दी हुई है तो इसलिए AB को CD के पैरेलल बनाएंगे। ये वाली जो लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल है। एंड डायगनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। डायगनल्स यानी कि ए से सी और बी से डी, ये डायगनल्स इंटरसेक्ट हो गए हैं और उस पॉइंट का नाम है ओ। शो दैट AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। थोड़ा रिजल्ट इधर लिख देते हैं अपा। AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO के हमने प्रूव करना है। चलिए अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। एक लाइन ओ से ड्रॉ होगी, लाइक दिस। लेट मी से दिस इज ई पॉइंट। हम लोग क्या लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में, ड्रॉ अ लाइन थ्रू ओ सच दैट इट इज पैरेलल टू DC एंड इंटरसेक्ट BC एट E। तो एक लाइन O से इस तरीके से ड्रॉ करनी है कि ये DC के पैरेलल हो और BC को पॉइंट E पर इंटरसेक्ट करे। ये हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन यहां पर राइट डाउन करनी है। अब चलिए करते हैं आगे प्रूफ की तरफ शुरुआत। सबसे पहले ट्राइंगल बी डी सी में, ट्राइंगल बी डी सी के अंदर जो ओई लाइन है वो डीसी के पैरेलल है। ये हमने बाय कंस्ट्रक्शन किया है, बाय कंस्ट्रक्शन। तो अगर ओई बी डीसी के पैरेलल है तो बीपीटी का यूज करके हम लोग क्या कह सकते हैं, ओपी या फिर बीओ लिख लो। बीओ अपॉन डीओ इज इक्वल टू बीई अपॉन ईसी। ये हम लोग कह सकते हैं इक्वेशन 1। उसके बाद जो ओई लाइन है वो डीसी के पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन। जो एबी लाइन है वो डीसी के पैरेलल है, ये गिवन है। तो फिर इसका मतलब क्या हो गया, जो ओई वाली लाइन है वो एबी के भी पैरेलल होगी। तो इसी का यूज करेंगे हम लोग ट्राइंगल एबीसी के अंदर। ABC ट्रायंगल में जो OE है वो AB के पैरेलल है, प्रूव्ड। ये प्रूव हो चुका है, ये इधर अपन ने बताया है। तो लाइन पैरेलल है तो लगा देंगे PPT। तो AO अपॉन CO इज इक्वल टू BE अपॉन EC। तो AO अपॉन CO BE अपॉन CE, ये हम लोग लिख सकते हैं बाय यूजिंग PPT। अब 1 और 2 से आप क्लियरली देख सकते हो कि जो राइट वाला पोर्शन है वो दोनों में सेम है। तो इसका मतलब है BO अपॉन DO इज इक्वल टू AO अपॉन CO। हमें रिजल्ट में AO अपॉन BO चाहिए और CO अपॉन DO चाहिए, तो करना कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें पीओ और सीओ की। तो सीओ अपॉन डीओ
इज इक्वल टू ए ओ अपॉन बी ओ। सिर्फ यहाँ पे ए ओ और बी ओ को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है और हमारा जो रिजल्ट है रिक्वायर्ड वो प्रूव हो जाएगा। तो ये हमारा 9th क्वेश्चन इजीली डन हो गया। ओके, 10th क्वेश्चन करेंगे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 6.2। इसको अपन क्लियर करेंगे और ये 10th क्वेश्चन हमारा डन हो गया, मतलब 10th क्वेश्चन हमारा कॉपी हो गया। देखिए, क्वाड्रेटरल ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ सच दैट ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। एक क्वाड्रेटरल है ए बी सी डी इस तरीके से कि जो इसके डायगनल्स हैं वो पॉइंट ओ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और जो चीज पिछले क्वेश्चन में प्रूव की थी वो अभी गिवन है। शो दैट ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है वो प्रूव करना है, यानी कि ये जो क्वेश्चन है वो 9th क्वेश्चन का कन्वर्ज बन के हमारे सामने आ गया है। तो हम लोग एक फिगर बना रहे हैं यहाँ पर ए बी सी डी और डायगोनल जो है वो एक दूसरे को कटिंग कर रहे हैं पॉइंट ओ के ऊपर, दिस इज पॉइंट ओ। अब हमने ओ के थ्रू एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी है, मतलब सेम कंस्ट्रक्शन है। प्रूव करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा बदल जाएगा, अदरवाइज बाकी सारी चीज सेम है। तो हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिखेंगे पहले, तो ड्रॉ अ लाइन थ्रू ओ सच दैट इट इज पैरेलल टू डीसी। तो ये लाइन डीसी के पैरेलल है, हमने ऐसा एक लाइन खींच लिया एंड इंटरसेक्ट बीसी एट ई, और ये बीसी को पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट करती है लाइन। अब ध्यान रखिए एबी को हम लोग डीसी के पैरेलल नहीं कहेंगे अभी, क्योंकि यही तो हमने प्रूव करना है। ट्रेपीजियम के लिए एक पेयर पैरेलल प्रूव होना चाहिए, तो यानी कि ए बी डी सी या सी डी के पैरेलल है, ऐसा कुछ भी हम लोग नहीं लिखने वाले। अब शुरुआत करते हैं प्रूफ की कि कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे। सबसे पहले ट्रायंगल बी डी सी के अंदर, बी डी सी, ये ट्रायंगल बी डी सी आपके सामने है, जो ओई लाइन है वो डी सी के पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन। तो अगर लाइन पैरेलल है तो यू कैन अप्लाई बीपीटी, बी ओ अपॉन डी ओ इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये हम लोगों ने बीपीटी का यूज करके इक्वेशन 1 बना दिया। इसके अलावा हमें गिवन है, क्या गिवन है, कि ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। अब आप देखिए जो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है उसमें बी ओ अपॉन डी ओ आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, बी ओ और सी ओ की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये सेकंड इक्वेशन मेरे पास तैयार हो गई। इसका फायदा क्या हुआ, अब हम लोग 1 और 2 को कंपेयर कर सकते हैं। तो बी अपॉन ई सी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन सी ओ, तो बी अपॉन ई सी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन सी ओ, ये हमारे पास आ गया। अब ट्राइंगल ए बी सी उठाएंगे, ए बी सी ट्राइंगल उठा दिया, बी अपॉन ई सी ए ओ अपॉन सी ओ के इक्वल है, ये हमने प्रूव किया। अब जब रेशियो प्रोपोर्शन हो जाती है तो आपको पता है क्या होता है, ऊपर लिख रहे हैं हम लोग, कन्वर्स लगता है बीपीटी का। और कन्वर्स क्या कहता है कि ये जो ओई लाइन है वो एबी के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो अब ओई एबी के पैरेलल है
OECD के पैरेलल हमने बाय कंस्ट्रक्शन ड्रॉ की है, तो इसका मतलब है जो AB है वो CD के पैरेलल प्रूव हो गया। अब जब भी रिजल्ट लिखेंगे हम लोग यहां पर, इफ वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इन अ क्वाड्रिलेटरल इज पैरेलल इट इज सेड टू बी अ ट्रेपीजियम। तो हम लोग इसे ट्रेपीजियम बोलते हैं अगर क्वाड्रेटरल के ऑपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल हो जाए। तो इसीलिए हमने एक पेयर पैरेलल प्रूव कर दिया, तो ए बी सी डी भी क्या हो गई, एक ट्रेपीजियम प्रूव हो गया। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 हम लोगों का सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 10 तक हम लोगों के डन हुए, एक्सरसाइज 6.2 हमारी फिनिश हुई। आई होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।